नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, हमने साइज के हिसाब से इसे अस्तर और कपड़े पर कट कर लिया है। पूरी लंबाई 14.5 इंच ली है। इस ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है 13.5 इंच होगी। शोल्डर 6 इंच लिया है, आर्म होल भी 6 इंच लिया है। तो देखिए, डीप गले का ये डिजाइन है। गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। 34 और 36 साइज के लिए ये वाला नाप आप ले सकते हैं और लंबाई अपने हिसाब से ही जितना रखना है उस हिसाब से लंबाई ले सकते हैं। अब देखिए, इस तरह गले का शेप दे देंगे। उसके बाद 1 इंच बढ़ाएंगे, 1 इंच लेंगे यहाँ डिजाइन के लिए और बढ़ाना है। तो इस तरह देखिए, हमने निशान बना दिया है 1 इंच और बाहर वाली साइड से बढ़ा दिया है। अब ये वाला निशान दूसरी साइड भी इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए, गले की कटिंग अभी नहीं करेंगे इसलिए निशान दूसरी साइड भी बनाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे कट करेंगे। अब देखिए, कपड़े की सीधी वाली साइड में रखते हुए गले के जहाँ से निशान बनाया है वहीं से सिलाई लगानी है। तो जो बाहर वाला निशान है वहाँ से सिलाई लगाएंगे, अंदर वाले को छोड़ देना है। तो देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। नीचे की तरफ भी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद अब गले को कट कर लेना है। तो इस तरह कट करने के बाद पूरे गले पर कट लगाएंगे। उसके बाद इसको पलट कर सीधा करना है। तो इस तरह देखिए, पलट कर सीधा कर लिया है। उसके बाद अच्छे से बनाते हुए गले के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह देखिए, गले के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब देखिए, यहाँ पर हम पेपर लेंगे, न्यूज पेपर लिया है, उसको डबल फोल्ड करके ले लेना है और गले को अच्छे से देखिए यहाँ पर मिलाकर रखना है। जितनी गले की चौड़ाई ली है उसी हिसाब से फैलाते हुए इसे रख लेना है। फिर वहीं से निशान बना देंगे। उसके बाद 1.5 इंच 1 इंच लेंगे अंदर की तरफ। 1 इंच कट किया था एक्स्ट्रा डिजाइन के लिए, तो वही 1 इंच नाप के ले लेना है और 1 इंच की दूरी पर बराबर से ये निशान बना देंगे। उसके बाद इस तरह से देखिए सीधा कपड़ा कट किया है, इससे हम पतली पट्टी तैयार कर लेंगे।
तो इस तरह देखिए पट्टी हमने बना ली। उसके बाद कट कर लेंगे यहाँ पर डेढ़ डेढ़ इंच की, थोड़ी सी बड़ी ही कट करना है आधा इंच, तो हमने डेढ़ डेढ़ इंच की कट कर लिया है। अब देखिए जहाँ से ये निशान है वहीं से गले वाली साइड तो बिल्कुल बराबर से रखते हुए जहाँ से निशान है तो सिलाई लगाना है, और जितनी चौड़ी पट्टी ली है उतना ही गैप देते हुए पूरे गले पर इस तरह लगा देंगे। उसके बाद इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए गले पर पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग पट्टी हमने कट कर ली है, डबल फोल्ड करके इसको लगाएंगे। तो इस तरह से पहले पाइपिंग पट्टी लगानी है, उसके बाद पतली ही पाइपिंग यहाँ पर बनानी है, तो उसी हिसाब से पट्टी ली है। तो देखिए पाइपिंग हमने बना दी है। अब इसको गले पर सेट करना है, तो अच्छे से गले से मिलाते हुए यहाँ पर देखिए बराबर से मिलाएंगे। उसके बाद एक पिन लगा देंगे, तो पिन लगाने के बाद ही एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अगर पिन यहाँ पर मिलाकर नहीं लगाएंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाएगा, तो इसलिए पहले पिन लगा लेना है। तो इस तरह देखिए इसे लगा दिया है। लगाने के बाद जो पेपर है उसे निकाल देना है, और ये बहुत ही आसानी से देखिए न्यूज़ पेपर हमने लिया था, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए 3 इंच चौड़ाई का ये कपड़ा लेंगे, और ये कपड़े की जो लंबाई है ज़्यादा रखनी है पूरे गले पर, इस कपड़े से भी डिजाइन होगी। और पहले फ्रिल बनानी है, तो फ्रिल के हिसाब से ही पूरे गले पर डिजाइन होगी, तो उसकी लंबाई ले लेनी है। तो देखिए पूरे गले पर हमने इस तरह से फ्रिल बनाकर बना दी है। उसके बाद यहाँ पर लेस लगा लेंगे, तो हमने लेस को लगा दिया है, गोल्डन लेस लिया है। अब देखिए लेस लगाने के बाद 2 पॉइंट की दूरी पर एक सिलाई और लगा लेनी है फ्रिल के ऊपर। तो ज़्यादा दूरी पर नहीं, बस 2 पॉइंट दूरी पर हमने एक सिलाई और लगा दी है लेस लगाने के बाद। उसके बाद ये जो फ्रिल है तो उसको उठाना है, और इस लेस वाली साइड जहाँ से सिलाई डाली है वहीं पर इसको पकड़कर सिलाई लगाना है, और एक मोती लगा देना है उसके ऊपर।
इसी तरह से देखिए पूरी डिजाइन को पूरा करना है। तो देखिए हमने पूरी डिजाइन बना ली है। पूरी डिजाइन को बनाते हुए मोतियाँ सभी पर लगा दी है। अब देखिए ये डिजाइन हमारा बनके तैयार है। अब इस वाले डिजाइन पर मोतियाँ लगा देंगे बस। तो ये जो पट्टी से डिजाइन बनाई है पाइपिंग के बिल्कुल पास दोनों पट्टी के बीच में एक एक मोती लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी बड़ी साइज की मोती लेंगे, जितनी साइज की यहाँ पर आएगी, जितना गैप है उसी साइज की मोती लेंगे और पूरे पर पाइपिंग के बिल्कुल पास से ही इस तरह मोतियाँ लगा लेनी है। तो देखिए अब मोती हमने लगा दी है, डिजाइन हमारा पूरा तैयार हो चुका है। अब लास्ट में इसका हम प्लेट बना देंगे। तो डिज़ाइन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।